सेथ रॉलिंस क्या रॉयल रंबल में फेस कर सकते हैं रोमन रेंज को? बिल गोल्डबर्ग की है ड्रू मैकइंटायर ने बेइज्जती, और जानेंगे क्या कुछ हुआ बड़ा आज WWE के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौरव, आप देख रहे हैं WWE इवनिंग गॉसिप्स। WHG वाइज आज की वीडियो बहुत ज्यादा धांसू होने वाली है। तो वीडियो की शुरुआत से पहले अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फिर से कह रहा हूँ, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, अभी के अभी हमारा ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा जहां मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ। तो दोस्तों इस बार की रॉ काफी धांसू गई थी, जहां ड्रू मैकइंटायर हमें नहीं दिखाई दिए, द गेम ट्रिपल एच मेन इवेंट का पार्ट थे। बात की जाए दोस्तों व्यूअरशिप की, तो व्यूअरशिप हमारे सामने आ चुकी है, जहां लास्ट वीक व्यूअरशिप थी 2.12 मिलियन, इस हफ्ते थोड़ी सी घटी है और व्यूअरशिप आई है 1.8 मिलियन। अब बात की जाए दोस्तों क्यों ये घटा हुआ है, तो इसके पीछे कई रीजन थे, जैसे कि दोस्तों कई सुपरस्टार मिसिंग थे, साथ ही साथ दोस्तों द गेम ट्रिपल एच एक सरप्राइज के जैसे थे, जो कि कहीं ना कहीं WWE को फायदा तो पहुंचाई, लेकिन ड्रू मैकइंटायर का ना आना एक बड़ा नुकसान हो गया। अब बात लगी है दोस्तों ड्रू मैकइंटायर की, तो बात कर लेते हैं ड्रू मैकइंटायर वर्सेस बिल गोल्डबर्ग की। तो सिचुएशन दोस्तों धीरे धीरे काफी ज्यादा टेंस होती जा रही है, और आज तो दोस्तों ड्रू मैकइंटायर ने मजाक उड़ा दिया बिल गोल्डबर्ग का। तो इससे पहले दोस्तों ड्रू मैकइंटायर ने रॉ में बिल गोल्डबर्ग को बूढ़ा कहकर संबोधित किया था, उन्हें अपने पिता से कंपेयर किया था, लेकिन आज दोस्तों ड्रू मैकइंटायर का मानना यह है कि जनता उनके साथ है। तो हुआ क्या कि गाइस बिल गोल्डबर्ग के रिलेटेड WWE वालों ने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाली थी, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं उनके कंधे के ऊपर WWE चैंपियनशिप है, जो कि दोस्तों एक फोटोशॉप पिक है। लेकिन सवाल जो पूछा गया था WWE वालों की तरफ से वो ये था, क्या ये मंजर देखने को मिल सकता है रॉयल रंबल में? जिस पर दोस्तों लोगों का रिएक्शन आया, और लोगों ने दोस्तों सवाल का भली भांति जवाब दिया, जो कि ये सजेस्ट कर रहा था कि आप ये चीज़ देखना चाहेंगे कि नहीं। वहाँ दोस्तों ज़्यादातर लोगों ने नो लिखा, और ड्रू मैकइंटायर ने भी दोस्तों वहाँ कमेंट किया। ड्रू ने ये चीज़ लिखी कि मैं सिर्फ और सिर्फ कमेंट देखने आया हूँ। माना दोस्तों ड्रू मैकइंटायर को पता है कि जनता का सपोर्ट उनके साथ है। हालांकि बात की जाए दोस्तों हर व्यक्ति की, तो हर व्यक्ति का ओपिनियन अलग अलग है इस मैच से रिलेटेड। कई लोग दोस्तों गोल्डबर्ग को ओल्डबर्ग कह रहे हैं, तो कई लोग दोस्तों गोल्डबर्ग के पक्ष में भी है। आप दोस्तों किसे सपोर्ट कर रहे हैं इस बारी के रॉयल रंबल में, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा। मैं देखना चाहूँगा कि किसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो गाइस अभी पहली वाली खबर में, यानी कि जो सबसे पहले मैंने आपको बताया, मैंने वहाँ सुपरस्टार्स का नाम लिया जो कि मिसिंग थे, तो गाइस तीसरी अपडेट हमारी उन्हीं सुपरस्टार्स से जुड़ी हुई है। तो इस बारी रॉ से दोस्तों 6 सुपरस्टार गायब थे, जिनके नाम है दोस्तों आस्का, तो वुमन चैंप ही गायब थी। इसके बाद दोस्तों हमारे शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर गायब थे, तो हर्ट बिजनेस के दो लौंडे भी नहीं दिखाई दिए। बात की जाए बाकी के सुपरस्टार्स की, तो निकी क्रॉस नहीं थी, रिकोशे नहीं थे, और हम्बर्टो कारियो भी नहीं थे। अब आप बोलेंगे कि एंजल गार्जा भी नहीं थे, तो आपको बताना चाहूंगा एंजल गार्जा हमें रॉ टॉक पर दिखाई दिए हैं, तो उनका नाम यहां मैं नहीं लेने वाला। इन 6 सुपरस्टार्स की बात करूं तो क्यों ये गायब थे, तो दोस्तों WWE का जो टाइमिंग था वो ऊपर नीचे हो गया। ड्रू मैकइंटायर को कोरोना हुआ, और WWE वालों को अपने प्लान्स में चेंज लाने पड़ गए। ट्रिपल एच घुस आए, जिसके तहत दोस्तों मेन इवेंट थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया, और इन सुपरस्टार्स को टीवी टाइम नहीं मिल पाया। चलते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज के ऊपर। भाई इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी एक और सुपरस्टार से, जिसे हो चुका है COVID-19। तो डे माल्दर की माने तो WWE के अंदर दोस्तों ड्रू मैकइंटायर समेत 3 और सुपरस्टार्स हैं जिन्हें कोरोना वायरस हाल ही में पाया गया है, और उनमें दोस्तों एक नाम जो आज हमें पता चला वो है मिक फोली का। तो उम्र दराज मिक फोली को दोस्तों COVID-19 हो चुका है, कोरोना वायरस की चपेट में दोस्तों आ चुके हैं। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो डाली है 2 मिनट की, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि उन्हें कोरोना वायरस हो गया है। आज दोस्तों उन्होंने अपडेट ये दी कि सिचुएशन उतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं है, हाँ वो काफ़ी ज़्यादा थक रहे हैं, लेकिन उनकी हालत में सुधार है। यहाँ दोस्तों उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस से उपचार के बारे में बात की है, उन्होंने ये चीज़ लिखी है, अंतिम 2 लाइनों में आप पढ़ेंगे कि हमें इस थिंग को, इस पैंडेमिक को सीरियस लेना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए। तो मिक फोली ने दोस्तों यहां सभी को सलाह दे दी है कि मास्क पहनो वरना मेरी जैसी हालत हो जाएगी। मिक फोली की बात करूं, मिक फोली की उम्र काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, और उन्हें जो कोरोना वायरस हुआ है, ड्रू की सिचुएशन से ज़्यादा टेंस है। होप करते हैं मिक फोली
जल्द से जल्द ठीक हो जाए, हम चलेंगे इससे अगली न्यूज के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों रॉयल रंबल 2021 से। तो गाइस रॉयल रंबल 2021 हो सकती है बेकार, और उसके पीछे का रीजन दोस्तों काफी सुनने में भद्दा है। दरअसल डब्ल्यू वाले दोस्तों ऑडियंस लाना ही नहीं चाहते। तो इससे पहले दोस्तों बात लग रही थी ये कि ऑडियंस शायद रॉयल रंबल के अंदर ना हो, लेकिन उसके बाद अपडेट ये आती है कि थोड़ी बहुत ऑडियंस तो दिखाई जा ही सकती है और डब्ल्यू को अलाउ भी है। लेकिन अब अपडेट ये है कि डब्ल्यू वाले थंडर डोम को हटाना नहीं चाहते, क्योंकि थंडर डोम हटाने में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मैन पावर लगती है, काफ़ी झोल झमाटा होता है, और रेसल वोट्स की माने तो डब्ल्यू इस झोल झमाटे से बचना चाहेगा और शायद वहाँ वो बिल्कुल भी लाइव ऑडियंस को ना लाए। अब ऐसा होता है दोस्तों तो ये काफ़ी बेकार होगा, क्योंकि लाइव ऑडियंस का रिएक्शन रॉयल रंबल में अलग ही रहता है। अब डब्ल्यू वाले ना जाने क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं। हम चलते हैं इससे अगली न्यूज़ के ऊपर। तो इससे अगली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों रॉयल रंबल के सरप्राइज रोंडा राउजी से। तो गाइस रोंडा राउजी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रॉयल रंबल के अंदर होगी, और इसके पीछे का रीजन सुनकर आप काफी ज्यादा खुश होंगे। तो बताया ये जा रहा है दोस्तों कि रोंडा राउजी अभी भी जिम में पसीना भारी और वर्कआउट सेशंस उनके चालू है। दरअसल दोस्तों उनके पति से सवाल भी पूछे गए थे, ट्रेविस ब्राउन से सवाल पूछे गए थे कि रोंडा ऐसा क्यों कर रही है, जहां ट्रेविस ब्राउन ने दोस्तों बचते बचाते ये चीज कही, देखो मुझे नहीं पता कि रोंडा ऐसा क्यों कर रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि रिटर्न के लिए वो ऐसा करे, ये चीज़ भी हो सकती है कि उसका कोई और काम हो, ये चीज़ भी हो सकती है कि वो अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहती हो। तो ट्रेविस ब्राउन दोस्तों यहाँ बचने की कोशिश किए हैं, लेकिन गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोंडा राउजी का रिटर्न ज़रूर होगा, और उसके पीछे का रीज़न ये है दोस्तों कि रेसलमेनिया 37 में उनका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो रहा है। अब किसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और डब्ल्यूडब्ल्यूई उसे जाने दे, वो भी बिना काम लिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो रोंडा को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस बार की रॉयल रंबल के अंदर। हम चलते हैं आज की अपनी सेकंड लास्ट न्यूज के ऊपर। तो भाई सेकंड लास्ट न्यूज जो आज की बारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों रैंडी ऑर्टन और फिंड से। तो दोनों दोस्तों आज जमकर रोए हैं, क्यों रोए आपको बताता हूँ। तो रैंडी ऑर्टन को तो दोस्तों हमने बहुत कम रोते हुए देखा है, लेकिन आज तो दोस्तों ब्रे वाइट भी रोए। उसके पीछे का रीजन है दोस्तों ब्रोडी ली। आरडब्ल्यू वालों ने दोस्तों एक ट्रिब्यूट वीडियो डाली है, जिसके अंदर हमें चारों के चारों वाइट फैमिली के मेंबर्स रोते हुए नजर आए। सबसे पहले हमें चीज दिखाई जाती है किस तरीके से जो ब्रोडी ली है उन पर श्रद्धांजलि देते हैं, रैंडी रैंडी ये चीज़ कहते हैं कि वो बंदा दिल का काफ़ी ज़्यादा साफ था। और उसके बाद दोस्तों उनकी आंखें भर आती है, वो लिटरली रोने वाले थे और ऑफ कैमरा दोस्तों ज़रूर रोए होंगे। इसके बाद दोस्तों जो ब्रे वाइट है उन्होंने ये चीज़ कही कि वो बिल्कुल ही अलग इंसान था, उसके जाने का काफ़ी ज़्यादा गम है। इसके बाद हमें एरिक रोवन भी दिखाई दिए काफ़ी समय बाद स्क्रीन पर, और उन्होंने ये चीज़ कही आई लव यू ब्रोडी। इसके बाद दोस्तों फाइनली ब्रॉन स्ट्रोमन आए, जिन्होंने तो ये चीज़ कह दी कि तुमसे मरने के बाद मुलाकात ज़रूर करूँगा। तो चारों के चारों हमारे वाइट फैमिली के मेम्बर्स जो है वो आज रोए हैं ब्रोडी ली की याद में। ल्यूक हार्पर दोस्तों बीते मंथ 26 तारीख को दुनिया छोड़ गए थे, जिसके बाद से दोस्तों बहुत से लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। यहाँ दोस्तों बताना चाहूँगा ल्यूक हार्पर जो थे वो दिल के काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ उनका काफ़ी बढ़िया बॉन्ड था। वेल रेस्ट इन पीस ल्यूक हार्पर, ऐसा हम कहेंगे और आपको भी कहना चाहिए। हम चलेंगे आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। तो गाइस मेन खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी है दोस्तों द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस के रॉयल रंबल ओपोनेंट से। तो गाइस स्पेकुलेशन चालू हो चुकी है कि आखिर कौन रॉयल रंबल में बिग डॉग को फेस करेगा, जहां दोस्तों कई लोगों की माने, कई सोर्सेस की माने, कई रूमर्स की माने तो सेथ वो व्यक्ति हो सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए दोस्तों कि सेथ रॉलिंस का रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जनवरी में होगा। बैकी लिंच के बच्चा हो चुका है, सेथ रॉलिंस तैयार है अपने रिटर्न को लेकर। बात करूँ सिचुएशन की, सिचुएशन ऐसे बनी हुई है कि एडम पेयर्स फेस करने वाले हैं रोमन को, बट मुझे नहीं लगता कि वहाँ ये फाइट बनेगी, क्योंकि ये बेहतर रेटिंग नहीं ला पाएगी। डब्ल्यूडब्ल्यूई इस प्लान को जल्द ड्रॉप कर देगा, और गाइस कोई एक व्यक्ति केविन ओवंस, एज या फिर शिंस्के में से रिप्लेस करेगा पियर्स को, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ दोस्तों कई रूमर्स की माने तो सेथ रॉलिंस को रिटर्न करना है, और इससे पहले रॉयल रंबल जीते हैं, ऐसे में दोस्तों रॉयल रंबल में उनका प्लेस ज़्यादा सही नहीं रहेगा, बजाय इसके कि वो आए
और ट्राइबल चीफ को उनकी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करे अगर ऐसा होता है तो। इसी के साथ दोस्तों सेथ रॉलिंस एक फेस सुपरस्टार में कन्वर्ट हो जाएंगे। वेल अभी के लिए तो दोस्तों स्पेकुलेशन ही है, लेकिन आप जानते हैं WWE है, इसके अंदर कुछ भी हो सकता है। जब दोस्तों ड्रू मैकइंटायर को गोल्डबर्ग चैलेंज कर सकते हैं तो भला रोमन रेंस को सेथ क्यों नहीं। इस पर दोस्तों आपका क्या कहना है, अगर ये फाइट बनती है तो आपका सपोर्ट किसे रहेगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ। वीडियो करने से पहले थैंक्स टू आवर प्रीशियस मेंबर्स, आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब खैर।